अलीगढ़ का, यानी मुस्लिम वोटर क्या चाहता है, क्या वो बीजेपी के बयार के साथ इस बार जाएंगे या बदलाव उन्हें चाहिए, जानने के लिए मैं मिंटो चौक पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मौजूद हैं और इनके मुद्दे क्या जमीनी रियलिटी है वो रहने वाली है, इन्हीं से हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मेवाती है और अलीगढ़ का जो मूड है वो इस बार बदलाव का है, क्योंकि अलीगढ़ के सांसद ने केवल जातिवाद पे काम किया है, अलीगढ़ के सांसद ने केवल शिक्षा पे राजनीति की है, ना तो शिक्षा दी उन्होंने ना ही रोजगार दिया, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं भी रोजगार नहीं है। इन लोगों ने वादा किया था 2019 के चुनाव में कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने रोजगार तो नहीं दिया, लठ तो दिए और रोजगार नहीं दिया, इन्होंने ब्रेड पकौड़े दिए। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा होती है, इन्हें 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, 10 साल देश में हो गई है, इन्हें उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती जब याद आई जब लोकसभा का चुनाव आया। देखिए भर्तियां और ये सारे घोटाले सपा सरकार के टाइम पे भी काफी हुआ करते थे, अब एक जो मान्यता है उत्तर प्रदेश में कि यादव और मुस्लिम वोटर सपा को वोट देते हैं, आप लोग इसीलिए उनके साथ जाना चाहते हैं? नहीं, सपा सरकार में 55 लाख युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, इस वजह से हम उनके साथ हैं। क्योंकि योगी सरकार में अगर कोई रोजगार मांगेगा तो युवा तो उसे डंडे मिलेंगे, अगर कोई युवा रोजगार मांगेगा उसे ब्रेड पकौड़ा तलने के लिए कहा जाएगा। हम केवल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए क्योंकि वो बदलाव की राजनीति करते हैं, बदलाव चाहिए आपको, रोजगार की राजनीति। महिलाओं के लिए तो बीजेपी गवर्नमेंट ताल ठोक के कहती है कि हमने सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का विकास किया है, उनके हक की लड़ाई लड़ी है, कुछ नहीं किया, नाराजगी है जी। क्या मांगे हैं? शिक्षा और महंगाई बहुत है। क्या नाम क्या आपका और आप क्या करती हैं? मेरा नाम आयशा है और मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मतलब एजुकेशन का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर अलीगढ़, जबकि अलीगढ़ तो अपनी तालीम के लिए सबसे ज्यादा दुनिया भर में जाना जाता है। जी 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 बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कुछ डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक मुद्दा हमेशा से मुस्लिम महिलाओं में भुनाया है, वो है 3 तलाक रद्द करने का, जिसके खिलाफ ओवैसी ने देश भर में जब चुनाव प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी का की सिर्फ सियासत है। आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ है इससे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो महंगाई और फिर आपको क्या लग रहा है कि और क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर बदलाव लग रहा है? सिलेंडर महंगा है और बहुत बेरोजगारी है। योगी आदित्यनाथ भी आए थे अलीगढ़, बात करके गए लोगों से कि हम ये करेंगे, विकास करेंगे, और तो खुश है मुस्लिम जनता? पहुंचे हैं। पर योगी जी के काम से खुश है? वो कहते हैं अब दंगा नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, दंगाई नहीं है। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। क्या महंगाई है? ठीक कह रहे हो। अच्छा, महंगाई से बढ़ रहा है आदमी और क्या, इससे ज्यादा क्या हो? कह रहे क्राइम नहीं है अभी, दंगे क्राइम नहीं हो रहा तो क्या हुआ, वैसे तो मार ही रहे मोदी जी, और क्या, महंगाई से तो हमारी मरी रहा है बेरोजगार आदमी और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा आदमी के। 10 साल से बीजेपी का काम देखा आपने, कितना बदलाव हुआ? बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, जो बीजेपी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ऐसा मुस्लिम वोटर को सुनते बोलते हुए मैंने बड़ा कम सुना है। नहीं, मैं अपने वोट का हक रखता हूँ और मैं अपने अधिकार को मानता हूँ, बिल्कुल मानना चाहिए जी। तो क्या काम हुआ है, किस चीज से खुश हैं? योगी मोदी ने कुछ बदलाव किया है आप लोगों के लिए, क्या काम हुआ है? नहीं, हमारे लिए कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन महिलाओं को सम्मान दिया, मोदी बनेंगे, महिलाएं खुश हैं? खुश है सब। आप लोगों को लग रहा है अलीगढ़ में काम हुआ? सब हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? सायरा। अच्छा, वोट डाल दिया आपने। अलीगढ़ में बीजेपी ने काम किया है, देश में मोदी जी ने काम किया है, या नाराजगी है? हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है, 15 मिनट बात की, हमारी कोई परेशानी नहीं है, सही काम हुआ है, काम हुआ है। ठीक, तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री का कोई तोड़ है? राहुल गांधी बन पाएंगे या मायावती बन पाएंगे या कोई और, ममता बनर्जी या मोदी ही रहेंगे? देखो, अब किस्मत है सबकी अपनी अपनी, किस्मत तो है, लेकिन एज अ वोटर एक मुस्लिम महिला क्या चाहती है? आप लोगों के हक के लिए बातें हुई है? ये तो होती रहती है समाज में तो। चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वोट डाल दिया आपने जी? क्या नाम है आपका? मेहर उन्निशा। मेहर जी, इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या हटेंगे? ये तो सही पता है, क्या पता किस कौन बनेगा आपके, लेकिन आप लोग चाहते हो बदलाव हो, राहुल गांधी को चाहते? बदलाव हो हम तो चाहते हैं। नाराजगी है? सब नाराजगी तो पता। गैस सिलेंडर का फायदा मिला, योजनाओं का फायदा मिला, अकाउंट में पैसे आए? नहीं आए, हमारे नहीं आए। और कहते हैं कि मुफ्त में राशन मिला है करोड़ों लोगों को, राशन तो मिला है, तो उससे खुश हैं आप लोग या नहीं? अब ये तो अब बाद में पता पड़ेगी। अच्छा।